नमस्कार दोस्तों, आज हम देख पा रहे हैं कि देश भर में रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करने का काम जोर शोरों पर है। आज पूरे भारत में 400 से अधिक रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार लेटेस्ट एमिनिटीज के साथ विश्व स्तरीय स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने पर काम कर रही है और उसी सूची में उत्तर प्रदेश का अयोध्या रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अयोध्या रेलवे स्टेशन भारतीय रेल मैप में अपनी एक अलग पहचान रखती है और इसीलिए आस्था का केंद्र कहा जाने वाला अयोध्या आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने रेलवे स्टेशनों को, अपने एयरपोर्ट को, अपने मंदिरों को काफी तेजी से रीडेवलपमेंट कर रहा है। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अयोध्या से जुड़ी सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। मैंने अब तक अयोध्या से जुड़ी अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में कई सारे वीडियोज बनाए हैं, तो आप नहीं देखे हो तो आप हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ी लिस्ट को चेक करें, आपको वहाँ कई सारे उत्तर प्रदेश के बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करेंगे और देखेंगे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन की मास्टर प्लान क्या है, अब तक कितना काम पूरा हुआ और कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट हाँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन जो अपने नए लुक्स और नए डिजाइन की वजह से आज काफी चर्चा में है। हाँ जी दोस्तों, अयोध्या का रेलवे स्टेशन आज अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में है क्योंकि इसके लुक्स मंदिर की तरह ही डिजाइन की गई है जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार लुक देता है। स्टेशन की सिर्फ लुक्स ही बेहतर नहीं होगी बल्कि यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज को, विश्व स्तरीय सुविधाओं को भी ऐड की जाएगी जिस पर आज काफी तेजी से काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेशन 620 करोड़ की लागत से तैयार होगा जो भारत का वन ऑफ द हाईटेक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेशनों में से एक होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अयोध्या का रेलवे स्टेशन 2017-18 के दौरान रीडेवलपमेंट करने की योजना लाई थी, अप्रूवल मिली थी जो कि 620 करोड़ की लागत से बनाया जाना था। इस पूरे स्टेशन को दो अलग अलग फेजेस में तैयार किया जाना था जो कि 2024 एंड तक बनाकर पूरा किया जाना था। हालांकि पेंडेमिक की वजह से अब इसकी डेडलाइन 2025 कर दी गई है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेज वन का काम आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। फेज वन के तहत 240 करोड़ रुपए की खर्च की गई है जिसके अंतर्गत 3 प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 फ्लोर वाली टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य चीजों को बनाया गया है जो आज लगभग लगभग कम्प्लीट हो गया, कभी भी सरकार इसको इनॉग्रेट कर सकती है। वहीं फेज टू जो बेसिकली साउथ साइड में बनाया जाना है, वहां पर स्टेशन से बिल्डिंग होगी, वेटिंग रूम का एक्सटेंशन किया जाना है, 3 नए रेस्ट रूम को बनाया जाना है, छत और प्लेटफॉर्म का रेनोवेशन की जानी है, पार्किंग इत्यादि को बनाया जाना है और ये सभी के सभी फेज टू के अंतर्गत होंगे जो बेसिकली 380 करोड़ की लागत से तैयार होगा और यह महज 12 महीने में कम्प्लीट किया जाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्टेशन आने वाले वक्त में भारत की शानदार हाईटेक स्टेशनों में से एक होगी जो कहीं ना कहीं अपने शानदार लुक्स और अपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ दुनिया भर में जाना जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन की जो दूसरी सबसे खूबसूरत बात है कि राजस्थान के भरतपुर के पिंक बलुआ पत्थरों से बनाया जा रहा है जिसका लुक हूबहू राम मंदिर की तरह ही होगा, जहां मेन एंट्रेंस बिल्डिंग में 2 शिखर और 4 पिरामिड्स बनाए जाएंगे जो एक मंदिर का स्वरूप देगा। साथ ही साथ स्टेशन से सेंटर में एक मुकुट और धनुष वाहन को भी बनाया जाना है जो एक मंदिर के साथ साथ इस पूरे परिसर को एक शानदार लुक देने में काम करेगा। तीसरी बात यह है कि स्टेशन परिसर को खूबसूरत करने के लिए जितने भी दीवारें होंगी, चाहे वो स्टेशन बिल्डिंग हो चाहे फिर आसपास की ही दीवारें क्यों ना हो, हर जगह आपको भगवान राम और रामायण से जुड़ी सभी आर्ट एंड कल्चर आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए इन्हीं सब वजहों के वजह से आज अयोध्या का रेलवे स्टेशन काफी चर्चा में है। तो देखते हैं पूरी तरह से कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे फेज वन आज पूरी तरह से कम्प्लीट है, कभी भी मोदी जी या फिर योगी जी इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। इनॉग्रेशन होने से लैंडस्केप तो बेहतर करेंगे ही, सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी, साथ ही साथ अयोध्या में आने वाले टूरिस्ट को भी हैंडल करने की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ नए रोजगार भी क्रिएट करेगी। कई सारी चीजें होने वाली है जो एक रेलवे स्टेशन के बन जाने से काफी कुछ बेहतर होने की गुंजाइश है और इसीलिए आज हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। वैसे आज की वीडियो को यही पेंट करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि अयोध्या में ही भगवान राम के मंदिर को जोरों शोरों से बनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या का एयरपोर्ट भी काफी तेजी से बन रहा है जिस पर मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हो।
इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण का काम हो, रिवर फ्रंट का काम हो या अन्य चीजों का काम हो, आज काफी तेजी से अयोध्या में काम चल रहा है। और इस सभी प्रोजेक्ट का एक वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करी है, जो कि ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छी रिस्पांस भी मिली है। ऐसे में आप वीडियो को मिस ना करें, आप जरूर से जरूर देखें। वैसे आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट हाँ, आपको ये सुंदर सा परिसर जो कि रेलवे स्टेशन के रूप में बन रहा है वो आपको कैसा लगा, इसकी लुक्स कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं करते हैं तो आप हमें आज ही इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।